हाय गाइस, मैं शांत हूँ। आप देख रहे हैं टेक्निकल शांत। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट 3 MIUI 11 थीम फॉर ऑल Xiaomi डिवाइस। देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप MIUI 11 या MIUI 12 के लिए थीम सर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको तीन थीम सर्च करने वाला हूँ जो कि शायद आपको ट्राई कर लेना चाहिए। तो अगर आप इसका देखेगा आइकन पैक, तो इसमें आपको काफी मिनिमल आइकन पैक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखेगा इसका कंट्रोल सेंटर, तो इसमें आपको नया टाइप का कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, न्यू टाइप का टॉगल्स देखने को मिलेगा, अनेबल की जगह तो ब्लू हो जाएगा। और अगर आप देखेगा इसका सेटिंग में, तो सेटिंग में आपको ग्रेस बैकग्राउंड देखने को मिलने वाला। और अगर आप देखेगा तो इसका टॉगल्स आपको काफी कलरफुल टॉगल्स देखने को मिल जाएगा। फॉन्ट आपको न्यू देखने को मिलेगा। और MIUI 11 और MIUI 12 में दोनों में आपको सेम लुक मिलने वाला। और अगर आप जाइएगा इसका अबाउट फोन में, तो उसमें भी आपको ऑल स्पेक्स में जो है इसका थोड़ा बहुत जो आपको UI है, उसमें भी आपको ट्वीक्स देखने को मिल जाएगा, और जो कि ओवरऑल आपका काफी अच्छा लुक देने वाला आपका फोन को। और आपको ट्राई कर लेना चाहिए थी। मैं MIUI 11 यूज कर रही है, मैं MIUI 12 यूज कर रहा, दोनों के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप जाइएगा इसका एडिशनल सेटिंग में, तो एडिशनल सेटिंग में भी जो पूरा UI है फोन का आपका चेंज हो गया। और इसका अगर आप डायलर देखें, तो वो भी आपको पूरा चेंज देखने को मिल जाएगा MIUI 11 या MIUI 12 में, दोनों में ही। मैसेजिंग ऐप में भी आपको सेम UI में पूरा चेंज देखने को मिलने वाला। और रीसेंट में देखिए, तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखें इसका लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन भी काफी इंटरेस्टिंग और न्यू टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो विजेट है, वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आप इसमें लेफ्ट स्वाइप कीजिएगा, तो इसमें आपको ऐसा कुछ कंट्रोल सेंटर या मतलब कि जो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर चाइना में ही देखने को मिलता है, बट अभी आपको सभी थीम्स पता वहीं से पोर्ट होकर आता है। और अगर आप जाइएगा इसका चार्जिंग एनिमेशन, तो चार्जिंग एनिमेशन आपको काफी न्यू टाइप का देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियसली काफी इंटरेस्टिंग और आपका न्यू लुक देने वाला आपका फोन को। तो ये आपको ट्राई कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे को काफी अच्छा लगा, आपको भी कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे वीडियोस के लिए। और अगर आप देखें सेकंड थीम, तो सेकंड थीम ये आपका iOS 14 से इंस्पायर्ड है, और ये आपका वन ऑफ द बेस्ट iOS 14 का थीम है, जो कि आपको पूरा सेम टू सेम आइकन पैक, फोल्डर का लुक और होम स्क्रीन, और मतलब कि पूरा जो UI आपको सेम मिलने को मिल जाएगा MIUI 11 या MIUI 12 दोनों के लिए। और अगर आप देखें इसका कंट्रोल सेंटर, तो वो भी चेंज हो जाता, बट सेटिंग्स और कुछ आपका MIUI 11 में चेंज होता है, MIUI 12 के लिए अभी तक सपोर्टेड नहीं है। इससे पुराना वाला बिल्ड था, बट आपका नया वाला बिल्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप MIUI 11 यूज कर रहे हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट iOS 14 का ये थीम आपको देखने को मिल जाएगा, और सभी कुछ आपका चेंज हो जाता, तो काफी इंटरेस्टिंग आपका ओवरऑल जो UI है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखिएगा इसका लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन में भी आपको ऐसा कुछ चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, और आपका पूरा जो UI है लॉक स्क्रीन का, वो भी आपको iOS इंस्पायर्ड देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसमें स्वाइप डाउन कीजिएगा, तो ऐसा आपको कुछ कंट्रोल सेंटर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपका iOS 13 का पूरा ओवरऑल जो लुक है वो आपको देखने को इसमें मिलने वाला है। और अगर आप ये भी डाउनलोड करना चाहते हो, तो इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप थर्ड थीम देखिए, तो इसमें आपको पूरा स्टॉक एंड्रॉइड जैसा आइकन पैक देखने को मिलने वाला, जो कि आपको क्लासिक स्टॉक एंड्रॉइड जैसा थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा आइकन पैक। और ओवरऑल ऐसा आइकन सभी को पसंद है, राउंडेड स्टॉक एंड्रॉइड जैसा आइकन पैक। और अगर आप देखिए, तो इसमें भी आपको ये आपका MIUI 11 सपोर्टेड थीम है, आपका MIUI 12 को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इसका जो स्टेटस बार है, आपको MIUI 12 में 11 में ही चेंज देखने को मिलेगा, और सेटिंग में आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। और इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको नाम जानना, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका नाम बता दूंगा कि आप कैसे सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप देखिए इसका लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन में आपको पता है कि MIUI 11 में आपका कंट्रोल सेंटर सपोर्ट करने के लिए लॉक स्क्रीन भी मिलता है MIUI का थीम्स में, तो ऐसा आपको कुछ चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। और वहां से अगर आप स्वाइप डाउन कीजिएगा टॉप राइट से, तो आपको ऐसा कुछ कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, और न्यू स्टाइल का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, जिसमें एक आपका चार्जिंग एनिमेशन और बार भी शो होते हुए देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में एक बोनस थीम है, जो कि मेरा फेवरेट थीम है पर्सनली, अभी अपना पर्सनल डिवाइस में यूज कर रहा हूँ, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको काफी मिनिमल और इंटरेस्टिंग आइकन पैक देखने को मिल जा रहा है। और टूल में भी देखिए, तो वो भी आपको काफी मतलब कि स्टॉक एंड्रॉइड जैसा आइकन पैक देखने को मिल रहा है। और स्वाइप डाउन कीजिएगा, तो इसमें आपको कंट्रोल सेंटर चेंज नहीं होता, बट ये आपका MIUI 12 का थीम है, बट चेंज क्यों नहीं होता मुझे भी नहीं पता। थोड़ा बहुत सर्कल या राउंडिस आइकन पैक आपको देखने को मिल जाएगा, राउंड UI जैसा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और अगर आप जाइएगा इसका सेटिंग्स, तो सेटिंग्स में UI चेंज नहीं होता है, हो जाना चाहिए बट नहीं होता है। इसका भी आपको MTZ फाइल, और जिसका MTZ फाइल होगा वो दे दूंगा, और जिसका डायरेक्ट लिंक होगा थीम स्टोर का, वो आपको मिल जाएगा। और मैसेजिंग ऐप और बाकी कुछ ऐप्स का इसका UI चेंज नहीं होता है, बट इसका लॉक स्क्रीन काफी अच्छा लगा मेरे को। तो अगर आप जाइएगा इसका लॉक स्क्रीन, तो चार्जिंग एनिमेशन ऐसा आपको कुछ देखने को मिलने वाला काफी अच्छा, और आपको न्यू आपका कलर मतलब आपका Realme UI जैसा आपको देखने को मिल जाएगा इसका जो चार्जिंग एनिमेशन। और अगर आप इसमें टैप कीजिएगा वो प्लस आइकन में, तो ऐसा आपको कुछ कंट्रोल सेंटर या मतलब वैसे कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी न्यू है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी
मतलब सजेशन है या कुछ भी कमेंट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। एक सब्सक्राइब करने से मेरा दिन बन जाएगा। और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना आप बेल आइकन को टैप कर रहे हैं और ना आप नोटिफिकेशन में जाकर ऑल मतलब कि सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में जाके ऑल कर दीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफाइड रहे मेरे नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ थीम्स और भी आपको रिलेटेड जो भी वीडियोज़ चाहिए नीचे कमेंट करके मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं तो नेक्स्ट कल ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है। और आप अगर डिजर्व लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ एक सब्सक्राइब तो मेरा एक दिन बन जाएगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।